नमस्ते सर, सत श्री अकाल सर, शब्बा खैर, कसा का है, मजा है, राम राम सर। नमस्ते, आप इतने सारे लोग क्यों आ गए हैं? अच्छा यहीं देखना। हाँ जी, मैं क्यों आना चाहता हूँ, बिग बॉस में मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि क्योंकि इंस्टेंट शोहरत है। जिल्लत के लड्डू भी मिल सकते हैं पर शोहरत तो इंस्टेंट है ही। सबसे बढ़िया बात है पैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन सर, फेम, पैसा, लड़की। क्या डायरेक्ट हो गया? नहीं, अगर इनडायरेक्टली बोलना है तो जैसे आप अंदर कदम रखते हो तो बाहर आपका शोहरत मिल जाती है, हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, बिकॉज सारी मैगजीन्स की, सारे न्यूज़ चैनल्स की, सारी पब्लिकेशंस की, सबकी आमदनी दुगनी तिगनी हो जाती है सर, क्योंकि इसमें बहुत मसाला होता है और वो मसाला लोगों को बताया जाता है और वो मसाला लोग देखते हैं। हर एक कंटेस्टेंट जो है, मैं तो कहता हूँ जो नहीं भी आ रहा होता उसकी भी बात होती है कि वो आ सकता है। शोहरत बहुत है सर, इसलिए एक तो ये रीज़न है। दूसरा सर कि ब्रांड डीलें बहुत मिलती हैं, कुछ भी आपने किया हो ब्रांड आपको जरूर मिलते हैं, बिकॉज अगर आपने जिल्लत वाला काम किया तो जिल्लत वाले ब्रांड मिलते हैं, और आपने अच्छा काम किया तो अच्छे ब्रांड मिलते हैं, पर ब्रांड जरूर मिलते हैं, तो एंडोर्समेंट आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और तीसरी, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, मीम पेज खोलो, हर जगह आपका तस्वीर होती है, कई बार आपकी मॉर्फ करी जाती है पिक, पर देखिए आपका चेहरा लोगों को दिखाया जाता है, किसी ना किसी रूप में दिखाया जाता है, जिससे आपका एक तरह से पॉपुलैरिटी मिलती है। और सबसे बढ़िया चीज़ सर, सबसे बढ़िया चीज़, ब्लू टिक मिल जाता है सर आपको, ब्लू टिक आपकी प्रोफाइल के आगे ऐड हो जाता है, चाहे आपने लाइफ में कुछ किया ना, घंटा किया हो आपने, पर आपके ब्लू टिक मिल जाता है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि जाओ अंदर, ब्लू टिक ले आओ, अगर कुछ और ना भी मिले ब्लू टिक तो कमाया आपने, तो इतना तो है ना। और एक और चीज़ मैं जाना इसलिए भी चाहता हूँ, क्योंकि जो मम्मी है, मम्मी अपनी सहेली को बता सकती है ना कि देखो मेरा बेटा गया था, तो वो मम्मी के लिए भी अच्छा हो जाएगा ना। और जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, मतलब अपने आगे प्रोफाइल के आगे लिख सकते हो बिग बॉस कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट, चाहे आपने घंटा कुछ किया हो, खड़ा हो, एक हफ्ते में बाहर आ गए हो आप, तो पर वो आप लगा सकते हो, सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल जाता है साहब। एक और बात ये कि भाई की नजरों में आ जाते हो, और क्या होता है ना कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, भाई आपके घर में लगा देगा सरसों। मतलब कहने का मतलब है कि टीवी जहाँ भाई का प्रोडक्शन है या आपकी भाई की फिल्म है, कभी भी भाई को दया सकती है, बिकॉज भाई बीइंग ह्यूमन हो जाता है, बिकॉज भाई बहुत दयालु है। और वो मुझे इसे लेना चाहिए आपको, मेरे में इतना वर्सेटैलिटी है और मैं इतने मसाले दे सकता हूँ कि मैंने तो अपना एक ब्रांड भी बनाया मसालों का, इतना मसाला है, रियलिटी शो मसाला ब्रांड, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरे में क्या क्या टैलेंट है। मैं ना बहुत गुस्सा आ जाता है मेरे को, और मैं बहुत गुस्सा कर सकता हूँ, और मेरा गुस्सा ऐसा भी है कि जैसे जब आपको चाहिए हो, जितना गुस्सा चाहिए उतना आप निकाल सकते हो। जैसे आपकी टीआरपी ऊपर जा रही है तो मैं जैसे मैं अपना गुस्सा कम कर लूंगा, आपकी टीआरपी जैसे नीचे गई मैं अपना गुस्सा बढ़ा दूंगा, और बात बात पे झगड़ा करूंगा लोगों से। आपको बस मुझे थोड़ा सा हिंट देना है, मतलब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हम चीट कोड्स बना लेंगे, सीक्रेट कोड्स, जैसे आप कोई ऐसा वर्ड बोल दो, कन्फेशन रूम में मुझे बुला लो और मुझे बता दो कि टीआरपी डाउन है, आप है, बस मुझे एरो दिखा दो। बिग बॉस कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिग बॉस की इमेज पे बात आती है ना, बिग बॉस कुछ नहीं बोल रहा, आप वहाँ एरो रख दो, ऊपर है तो मतलब मैं समझ गया टीआरपी ऊपर है, गुस्सा नीचे रखना है, एरो नीचे है मुझे पता है गुस्सा बढ़ाना है, तो मैं मेरा गुस्सा के लेवल में घटाया बढ़ा सकता हूँ, एक वजह से आप ले सकते हैं मुझे। दूसरा ये कि ना मैंने शालीन टेंपल, आपने सुना होगा, एक बायना जगह है जहाँ शालीन टेंपल है, वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी है, उन्होंने मुझे को एक बहुत बड़ी पावर दी है, वो पावर से क्या है, मेरे को एक पुश मिला है, एक काची काची करके टेक्निक होती है, काची काची ऐसे करके वो ना प्रैक्टिस करनी होती है, तो उससे क्या होता है आपको पुश करने की ताकत आती है, वो पुश ऐसा है मेरा लगेगा कैमरा पे लगेगा, तेज भी दिया है और वो बंदा गिरेगा भी नहीं, चोट भी नहीं लगेगी, मतलब लगेगा एग्रेशन है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई इसको निष्कासित करें या नहीं करें, इसको डांट लगाएं ना लगाएं, ये गलत है या सही है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और टैलेंट है मेरा, जैसे मैं जो हमारी एक बहुत बड़ी अवार्ड विनिंग प्रेस्टिजियस डायरेक्टर रही हैं, सेकता कपूर, तो वो सेकता कपूर ने इतने अच्छे अच्छे टीवी जो सीरियल बनाए वो मैंने सारे चाटे हुए हैं, तो कभी बड़ा सैड मूवमेंट चल रहा है, तो मैं ना बड़ा सैड मूवमेंट जैसे ऐसे और मैं रो दूंगा, मेरे को ग्लिसरिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे बड़ा कुछ ना कोई इवेंट हुआ है जहां मतलब वो मिस्टीरियस एक्सप्रेशन चाहिए, कंफ्यूज वाला एक्सप्रेशन, वो सारे एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, जैसे मिस्टीरियस एक्सप्रेशन ये है ना, और जैसे कंफ्यूज, और जैसे गुस्सा, प्यार,
सकता, मैं सारे एक्सप्रेशन दे सकता हूँ, मतलब चाटे में सिक्ता कपूर से मैंने सीखा है, सिक्ता कपूर ट्रेनिंग स्कूल। एक और मेरे को आपको बताना है कि चीज जिससे ना आपका जो बजट है वो कम हो सकता है। जैसे एक तो मैं कैमरा के साथ फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, जहां जा कैमरा उसके एंगल मुझे पता चल जाता है। तो मैं क्या करना, आपकी एडिटिंग टीम को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या है कि मैं देख लूंगा कौन सा एंगल कहाँ है, हाइट किसकी है, डिस्टेंस किसका कितना है, मैं जहां खड़ा हूं वहां से मैं जो एक्सप्रेशन एंगल दूंगा वो मतलब अलग ही उसका एलिमेंट आ जाएगा। क्योंकि अगर झगड़ा चल रहा है तो क्या एक्सप्रेशन देना है, किस एंगल पे देना है, मैं ही मतलब जैसे मेरे को अगर लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा तो मैं ही जूम इन हो जाऊंगा, कैमरा के पास चले जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि ज्यादा पास में तो मैं पीछे चला जाऊंगा और फिर मैं अपना डायलॉग फिर अपना रिएक्शन दूंगा। तो ये मेरे में टैलेंट है और इससे आपकी कॉस्ट भी बचेगी, बिकॉज जो एडिटिंग टीम है उसमें आप कम बंदे बिठाओ, क्या कि आप मुझे 10-15 हज़ार जैसे फेक कॉमनर्स को देते हो आप, तो उतने भी मुझे देने की जरूरत नहीं, मैं इस प्रॉफिट में जो आपकी कॉस्ट बचेगी कम बंदे रखने से वो उसी में मैं मतलब खुश रहूंगा। और मैं एक और चीज कर सकता हूँ कॉस्ट बचाने के लिए आपकी, जैसे मेरे से आपको सारे काम करवा सकते हो जिनके लिए आप एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट रखते हो, वो एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, जैसे वीकेंड के बारे में जो स्टोर रूम जाना पड़ता है वो मैं खुद ही कर लूंगा। आप जैसे लोगों की और जो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट है MG वाले जो फाइनलिस्ट होते हैं, जिनको आप ज्यादा ज्यादा पैसे देकर 100-100 दिन के लिए पहले से पैसे देकर लाते हो, तो उनके जैसे मैं बाल बना दूंगा जैसे वो आप अच्छे लगे टीवी पे ना, और उनको उनके हेयर कलर करने, जैसे उनका जो सफेद बाल है उनको छुपाना, उनके बाल बाल काटना, चुपके से उनका काम कर दिया करूंगा, वो अपनी स्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, मैं उनका काम भी चुपके चुपके कर दूंगा, कोई पता भी नहीं चलेगा, कैमरे में लगे वही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आटा गूंथ दिया, आपकी जैसे जो स्क्रिप्टेड फाइनलिस्ट है वो किचन में है पर मैंने आटा गूंथ दिया, तो वो लगे वही काम कर रही है पर मैं गूंध रहा हूँ आटा, तो वो खुश रहेंगी, वो अपना एंड तक कंटेंट देगी, अपनी कंटेंट पे फोकस करेंगी, अपने स्टाइल पे फोकस करेंगी, है ना, तो उससे शो का ग्राफ बढ़िया लगेगा। तो मेरे में भी टैलेंट है, तो आप देखिए मतलब मेरे में सब कुछ है, आप मेरे को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ होने के लिए आ सकता हूं, और मैं यूज़ पूरा होने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं सिकास को मत भेजना अंदर, नहीं नहीं वैसे यूज़ नहीं हुआ, मैं शो के लिए यूज़ हो जाऊँगा, वैसे नहीं हुआ। और एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ये मेरा बोनस वो है मतलब ऑप्शन आपके लिए जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जब आपकी स्क्रिप्टेड फाइनलिस्ट हैं जो मैं उनके साथ उनका और वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है हमारे तो लॉस हो रहा है बिकॉज आपने उनको पैसे दिए MG के, तो मैं उनके से या तो फ्रेंडशिप कर लूँगा या मैं उनसे दुश्मनी कर लूँगा, जो आप चाहेंगे मैं उनसे उनको उठा लूँगा, जिससे आपको चैलेंजर ना भेजने पड़े बाहर से, ना मैं ही कर दूँगा ये, मैं उनसे कभी दुश्मनी कर लूँगा कभी फ्रेंडशिप कर लूँगा, जिससे आप जैसा चाहेंगे, तो मैं उनको चमकाने के लिए मैं उनको चमकवा दूंगा थोड़ा सा और ये कर दूँगा। और सबसे बढ़िया टैलेंट मेरे पास, सबसे बढ़िया टैलेंट मैंने छुपा के रखा था एंड के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ आप ना हैरान हो जाएंगे। तो मेरे में एक और टैलेंट है, मैं ना मैं फिसल जाऊँगा किसी पे भी, और मैं ये नहीं देखूँगा किसकी क्या एज है, अगर वो ऑपोजिट जेंडर है, जैसे मैं स्ट्रेट हूँ बिकॉज आई एम स्ट्रेट, इतना नहीं फिसलता मैं, तो जैसे मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं कोई भी एज ग्रुप में मैं फिसल जाऊँगा, जहाँ आप मुझे हिंट देना है, चीट कोड देना पड़ेगा आपको, ऐसे 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 चीट कोड दे देना जैसे आपने कहीं भी मेरे को रख दिया, दिल रख दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग में उठे वहाँ दिल पड़ा है जैसे मेरे सामने, तो मैं समझ गया कि आज ये दिल लड़ाना है, तो मैं दिल किसी भी लड़ा लूँगा, और मैं बड़े चीज़ें लाइंस भी बोल दूँगा जैसे ना, तो आपको ना कहानी मिल जाएगी। अब मुझे बताना, अगर कपल्स वापस आपको नहीं मिल रहे हैं, मैं कपल दूंगा, है ना, मैं जिस पे चाहोगे उस पे मर जाऊँगा, मैं जिस पे चाहोगे उस पे मर जाऊँगा, मैं जिस पे चाहोगे उस पे मर जाऊँगा, तो वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरे में टैलेंट है, ठरकी प्लेबॉय बन जाऊंगा मैं। और आप कहोगे तो पालतू कुत्ता बन जाऊंगा मैं, किसी लड़की को आगे पीछे घूमता रहूंगा, आप बोलो। और मैं एक और टैलेंट की बात करता हूँ, देखो आपका जैसे वीकेंड के बाद कभी बहुत हाइप होती है कभी नहीं होती है, तो जब नहीं हुआ करेगी किसी दिन आपको लगता है इस हफ्ते हाइप नहीं मिली भाई, तो मैं भाई पहले दाम लगा दूंगा क्यों भाई से, तो जिससे वो मेरे को डांटे, है ना, तो मैं कर दूंगा। और तब भी हाइप नहीं मिली तो मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे मैं कोई मुद्दा उठा दूंगा ऐसा, जैसे मैं नेपोटिज्म को मुद्दा उठा दिया, जो मैंने बोल दिया कि भाई कंजर्व फॉरेस्ट, डोंट हंट एनिमल्स, है ना, ड्राइव सेफ, मैं भाई ऐसे मुद्दे उठा दूंगा, तो हाइप देने के लिए मैं मुद्दे उठा सकता हूँ, आप बोलो, तो ये सब भी कर सकता हूँ मैं। और एक और चीज़ जो मैं भली बात ही कर सकता हूँ, या मैं इमोशनल स्टोरी लेकर आ सकता हूँ, मैंने खुद अपनी बनाई है, मतलब मेरी है, मैंने लिखी मतलब मेरे भी आप बीती है, और मेरी इमोशनल स्टोरी ऐसी है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण, जैसे मेरी अपनी पापा से नहीं बनती थी,
नहीं अब नहीं, एक और है मेरे पास, जैसे घर में पैसे नहीं थे मेरे और मैं बड़ी मेहनत करी। No. नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ गई। No. तीन गर्लफ्रेंड छोड़ गई। No. खड़ा नहीं होता मेरा। What? मैंने अपना सेक्स चेंज कराया। हाँ तो देखो, इमोशनल स्टोरी भी है, लोग रोएंगे रोएंगे लोग। और एक और चीज़ है मेरे पास, मैं फाइनल आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये टैलेंट, अब देखो राखी सावंत तो आपके हर सीज़न में आने ही वाली है, शो उसने चलाया भाई, तो अगले सीज़न में जो आएगी उसके पास तो जूली है, मेरे पास जूलियाज है। और अब उसकी जो जूली है वो 200 साल पुरानी, मेरा जूलियस 2000 साल पुराना है। और यही नहीं, वो स्वामी ओम का परदादा का परदादा है और इमाम सिद्दीकी का बेस्ट फ्रेंड। तो सोचो क्या कॉन्टेंट देगा जूली और जूलियस। तो ये मैं कर सकता हूँ, तो अब बताओ आप मैं सिलेक्ट हूँ? हाँ तो अब क्या करना है? हाँ पीआर मैं हायर कर लूंगा, आप चिंता ना करो, मैं पीआर पूरा हायर करके जाऊंगा और जितना मुझे दोगे उसका 50% मैं पीआर में लगा दूंगा। तो उससे आपकी भी एंगेजमेंट होगी, मेरी भी एंगेजमेंट होगी और इट्स विन विन। तो ये कर लेते हैं। और बाकी गाइज जो आप लोग देख रहे हो, अब मुझे पीआर, मैं सेलेक्ट तो ही हूँ बिग बॉस 15 के लिए, तो अब मुझे पीआर करना है। तो आप लोग जितना ही वीडियो शेयर करोगे उतनी मेरी पीआर होगी, है ना, तो उतना ही मेरे वो मेरे ट्रेंड ब्रेंड चलेंगे, हैशटैग वैशटैग चलेंगे। तो आप यार जरा पीआर कर दो मेरा और शेयर कर दो ये वीडियो, और यार जरूर कमेंट करके बताओ यार कैसे करोगे पीआर, तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो ऑडिशन, ये जरूर बताना यार। और अगर दे रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना यार, बिकॉज ये कंटिन्यू होगा, एक और वीडियो करूँगा। बाकी मेरा ऑडिशन आप कॉपी कर सकते हो, मैं कॉपीराइट नहीं डालूंगा, कॉपी कर सकते हो, ऐसे बना के डाल दो गाइस। Thank you.